एक तरफ कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जल्द से जल्द उसे बाजार में उतारने का दावा कर रही हैं और दूसरी तरफ वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर एंथोनी फॉची ने दावा किया है कि इस साल कोरोना वैक्सीन बाजार में दस्तियाब नहीं हो पाएगा। अमेरिका में मुकीम डॉक्टर फॉची का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए तैयार हो रही वैक्सीन के महफूज होने का तय 3 दिसंबर तक कर लिया जाएगा, लेकिन ये वैक्सीन अगले बरस के वसत में ही बड़े पैमाने पर दस्तियाब हो सकेगी। दरअसल कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले कई हिंदुस्तानी और गैर हिंदुस्तानी कंपनियों ने इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन को मार्केट में उतारने का दावा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए तैयार होने वाली वैक्सीन भी इसी साल आने का इम्कान है और हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक के जरिए तैयार कोवैक्सीन के बारे में भी कहा जा रहा है कि अगस्त में ये दस्तियाब होगा। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत के दौरान डॉक्टर फॉची ने वाज लफ्जों में कहा है कि इस साल कोरोना वैक्सीन मार्केट में पूरी तरह नहीं आ पाएगी क्योंकि इसके महफूज होने का तयन ही दिसंबर तक हो पाएगा, लेकिन आइंदा बरस की वसत तक ये बाजार में बड़े पैमाने पर पहुंच जाएगा। अपनी बातचीत के दौरान अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों पर भी डॉक्टर फॉची ने तस्करा किया। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा इंटरव्यू से खुश हूँ जिसमें सदर ट्रंप ने लोगों को मशवरा दिया कि वो मास्क पहने और सामाजिक फासला बरकरार रखें। कोरोना की नौयत के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फॉची ने कहा कि कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें अभी तहकीक तलब हैं। मसलन ये वायरस बच्चों में किस हद तक फैलता है और क्या बच्चे ये वायरस बड़ों में भी फैला सकते हैं।